The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। ठीक क्यों आती है आपको? ठीक आती है आपको पता है ना, कहीं इरिटेट हो गया, एक सडन सा फोर्सफुल, ये देखो क्या, इट इज अ सडन, अचानक आती है, फोर्सफुल है, जोरदार आती है और अनकंट्रोलेबल। कई बार कंट्रोल कर पाते हैं और नहीं, रोक लिया लेकिन नहीं रुकती। अनकंट्रोलेबल बर्स्ट ऑफ एयर है ये, ठीक है, जो आपके नाक और मुंह से निकलती है उसको कहते हैं छींक। अब ये क्यों होती है? कई लोगों का फोन आता है कि सर मुझे छींक आ गई, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? फिर हम बोलते हैं भाई साहब कृपया रिलैक्स करें, लंबी लंबी सांस लें, आपको कोरोना नहीं हुआ है, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें, हमारे वीडियो देखें और शांत रहें, शांत बसा। फिर हम उनको बताते हैं छींक के कारण। छींक के कारण क्या है? छींक मतलब आपके गर्दन से लेके, नाक से लेके सांस की नली तक, मेनली ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नाक के इसमें कहीं ना कहीं कोई इरिटेशन हुआ है। किसको? म्यूकस मेम्ब्रेन को, अंदर की चमड़ी को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉदरसम हो सकता है वो इरिटेशन, और वो एकदम से छींक मारेगा। छींक यानी स्नीजिंग इज रेयरली अ साइन ऑफ अ सीरियस प्रॉब्लम, वेरी रेयर, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी वेरी रेयर। छींक आपको एलर्जी के वजह से हो सकती है, आपको किसी पोलन ग्रेन, मोल्ड, डस्ट, डेंगर, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो आपके नाक में गई, छींक आ गई, कोई खाना पका रहा, तड़का मारा, छींक आ गई। आपका कई बार नाक में डालने वाले स्प्रे, मुंह में डालने वाले स्प्रे से छींक आ सकती है, अस्थमा के, या स्टीरॉइड स्प्रे आपने डाला, ब्रीदिंग इन ऑन दैट कैन कॉज स्नीजिंग। नॉर्मल कई आपको सर्दी खांसी में तो छींक आती है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, अब फ्लू है कि कोरोना, कोरोना है कि फ्लू है, सिम्टम मॉनिटर करिए, ट्रीटमेंट सेम है, कोई चेंज नहीं है, पानी पीजिए, घर पर ख्याल रखिए। आपको हजार बार बताया है कोरोना का ट्रीटमेंट, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो जाके देखिए, बार बार एक ही वीडियो में हर एक चीज़, एक ही चीज़ तो नहीं बताएंगे। अब ड्रग भी देखो, दवाइयों से भी कई बार छींक आती है। मान लो दवाई आप जैसे कि इवन स्पाइसी फूड से, जैसे कुछ दवाइयों से, कुछ पाउडर से, ड्राई एयर से, एयर पोल्यूशन से, डस्ट से स्नीजिंग हो सकती है। कुछ दवाओं के बंद करने पे, ड्रग विड्रॉवल से स्नीजिंग हो सकती है। बहरहाल अगर आपको स्नीजिंग है और अकेली स्नीजिंग है तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। अगर आपको स्नीजिंग के साथ कोई और सिम्टम है, सर्दी खांसी बुखार, सांस में दिक्कत कोई भी है, तो वो वीडियो देखिए उसका, सर्दी का, खांसी का, बुखार का, गले खराब का, खांसी का, और उस पर ध्यान दीजिए। उसमें स्नीजिंग मेन सिम्टम नहीं है, तो स्नीजिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें। स्नीजिंग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है तो उस तरीके की एलर्जी वाली चीज़ों से दूर रहें। जो भी आपको लगता है कि आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, आपके घर में जो अगर कोई फिल्टर विल्टर है तो फिल्टर चेंज करें, घर के फिल्टर, एसी का फिल्टर, अगर कोई पेट है तो पेट को नहलाएं, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, और उसको सफाई करें, उसका पेट के ऊपर का डेंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एयर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर में, घर को फिल्टर करने के लिए। और भाई साहब जो आपके घर में पर्दे हैं, पर्दों को धोना पड़ेगा आपको, और जो भी आपके कपड़े हैं जिसमें आपको लगता है कि दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसमें डस्ट माइट्स हो सकती हैं, इसके वजह से दिक्कतें, तो डस्ट माइट को हटाने के लिए गर्म पानी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट या 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप उसको अगर धोएंगे तो उसमें से डस्ट माइट मर जाएंगे। कुछ केसेस में आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए हो सकता है घर से बाहर निकलना पड़े, क्योंकि घर में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर बहुत ज़्यादा धूल है, काम हो रहा है, सफाई हो रही है, तो घर से बाहर जाइए। और स्नीजिंग जो कि एलर्जी से है वो अपने आप एलर्जन हटने पर ठीक हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने डॉक्टर से बात करके कुछ दिनों के लिए एंटी एलर्जन ले सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, स्नीजिंग को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं, और स्नीजिंग अकेला किसी भी बड़ी बीमारी का कारण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको दूसरी एलर्जिक टेंडेंसी है और एक एलर्जी ज़्यादा कहीं सांस में, सांस की नली को सुकड़ा ना दे, सांस में दिक्कत ना आ जाए, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से बात करें, अपने एंटी एलर्जिक मेडिसिन लें। सांस के लिए स्टीम ले सकते हैं, खूब सारा पानी पी सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, कायदे से यही सारा ट्रीटमेंट आपका वायरल फ्लू का भी है, और फ्लू के लिए और वायरस के इन्फेक्शन के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम छींक को लेके, तो आपके फ्लू के, सोर थ्रोट के, गले खराब के, सर्दी खांसी के ही टेस्ट होंगे, जांच होगी कि भाई आपको क्या हुआ है, और उसके लिए उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो छींक से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई भी कोरोना वायरस या डेंजरस इन्फेक्शन नहीं है, तो कृपया
टेंशन ना लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.